A few days after violent clashes broke out between the ABVP and the AISA supporters at Delhi University's Ramjas College, no end to campus drama, it seems. Now, ABVP President Amit Tanwar has told India Today that they will not allow Umar Khalid to enter the campus. Tanwar denied any violence by his ABVP. Instead, he blamed Umar Khalid for anti-national activities. He added that DU does not need to be anti-national like the JNU. Remember, Umar Khalid was arrested last February for allegedly chanting anti-India slogans inside the JNU premises. In the DU clash too, Umar Khalid is again in the eye of a storm when an invitation from the AISA to Umar Khalid to present a paper at a seminar led to violent clashes between the ABVP and the AISA. सबसे पहले आप ये बताइए कि जो भी वायलेंस हुआ वेंसडे को, लड़कियां, जर्नलिस्ट, टीचर्स को तक मारा गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा ये कहना है कि हमने किसी को नहीं मारा है और ना ही एबीवीपी के लोगों ने उनको मारा है. एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के बीच में जो हाथापाई उस दिन हुई थी, सबसे पहले उन्होंने प्रवोक किया था, उन्होंने उनकी जो लड़कियां थी उन्होंने बड़ी बदतमीजी से गालियां दी थी और जो उन्होंने देशद्रोही के नारे लगाए थे, उसके बाद ये हाथापाई होती है. उसमें हाथापाई उनके बीच में भी देखी जाए तो जो दिल्ली पुलिस है, जब उन्होंने डिटेन किया उनको, बल्कि हमको भी चोट आई है, उनको भी चोट आई है, दोनों को ही चोट आई थी. क्योंकि उनको डिटेन करने के लिए उन्होंने बस में लेके गए, तब उनको चोट आई है. आप कह रहे हैं हमको, उनको, मतलब एबीवीपी वाले थे उस दिन और वो भी वायलेंस कर रहे थे. देखिए, एबीवीपी वाला उसमें कोई भी नहीं था, अगर मैं सीधा सीधा कहूं, क्योंकि रामजस कॉलेज की यूनियन और जो वहां के लोग हैं उन्होंने हमें फोन किया था डूसू को कि आप हमारी हेल्प कीजिए. हम उसमें जब गए तो एज अ डूसू प्रेजिडेंट और मैं एबीवीपी का कार्यकर्ता हूं, तो मैं भी एबीवीपी से हूं. तो हम वहां पर गए, उसके बाद जब हमने देखा कि उन्होंने पूरा विरोध किया है और कॉलेज प्रशासन ने मना कर दिया था कि जब उमर खालिद यहां नहीं आएगा, और जो नेक्स्ट डे जो कार्यक्रम हुआ था जो वॉयलेंस वाले दिन, तो प्रिंसिपल ने मना किया था कि कॉलेज में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन फिर भी आयशा और वहां के जो टीचर एक्टिविस्ट है मकुल मांगलिक जी, उन्होंने वो प्रोग्राम रखा. उसका विरोध करने के बाद भी उन्होंने वो मार्च निकाला और वहां देशद्रोही के नारे लगाए, कश्मीर की आजादी, बस्तर चाहता आजादी, ऐसे नारे लगाए और देश विरोधी नारे उन्होंने लगाए.